माता की। आज के दिन मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक दिन हो गया, जब बाबूजी कल्याण सिंह जी की प्रथम पुण्यतिथि पर हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मंत्रिपरिषद के सभी साथी और उनके परिवार के सदस्य जो सांसद और मंत्री के रूप में बेटे और पोते वहां भी यहां पर रहे, बाबूजी की बहुत ही भव्य और दिव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैं बाबूजी को प्रथम पुण्यतिथि पर पहले तो नमन करके उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। मंच पर हमारे प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, केंद्र सरकार के दो मंत्री, एक तो श्रीमान कौशल किशोर जी और दूसरे श्रीमान बीएल वर्मा जी यहां मंच पर मौजूद हैं। इस शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री के और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, चिकित्सा शिक्षा के राज्य मंत्री के नाते मैकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नाते श्री संदीप सिंह जी, लोकप्रिय सांसद के नाते श्री राजू भैया राजवीर सिंह जी, हमारे प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी और इस पीजीआई के जो डायरेक्टर हैं श्रीमान राधा कृष्ण धीमन जी, जिनके अगुवाई में यह आज वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हुआ है। और हमारे मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ साथी और यहां पर हैं, आदरणीय हमारे आशीष सिंह पटेल जी जो हमारी सहयोगी पार्टी के हैं, आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, असीम अरुण जी और माननीय विधायकगण श्री राजेश्वर सिंह जी, श्री नीरज बोरा जी, आदरणीय अन्य हमारे यहां पर हमारी मेयर आदरणीय श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, और जिनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का मौका पहली बार विधानसभा में जब आया तब मिला था, ऐसे आदरणीय सुरेश खन्ना जी, मैं देव लास्ट में नाम यहां पर ले पाया, ऐसे आदरणीय सुरेश खन्ना जी, सामने भी मैं देख रहा हूं कैबिनेट के हमारे वरिष्ठ नेता मंत्रीगण बैठे हुए हैं, सबका नाम लूंगा तो देर लग जाएगी, मुझे दो शब्द कुछ बोलना भी है। देखिए आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं सोचा भी नहीं था कि कभी मुझे राजनीति में आना है। मैं तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही था, जब बाबूजी कल्याण सिंह जी प्रयागराज से चित्रकूट की ओर जा रहे थे उस आंदोलन में उनकी गिरफ्तारी शंकरगढ़ से आगे बरगढ़ में होती है और नैनी जेल में उस समय की सरकार के द्वारा उनको बंद करके रखा गया था। लेकिन एक ऐसा भी दिन आता है जब एक राम भक्त को वह जेल में भेजे और एक राम भक्त जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तब राम जन्मभूमि पर जो कलंकित ढांचा था वह सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है और आज वहां पर रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा। हमें गर्व है, यह राम मंदिर नहीं है, राष्ट्र मंदिर है, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक का मंदिर है। उसी प्रकार से आज मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं, अगर सामाजिक समरसता के सूत्रधार के रूप में जिनके अंदर आप एक किसान का चेहरा देख सकते हैं, गरीब का चेहरा देख सकते हैं, उसमें पिछड़ों के वंचितों के सबका प्रतीक रूप में अगर देखना हो तो बाबूजी कल्याण सिंह जी को आज भी देख लीजिए, वह उसी रूप में दिखाई देते। जिनके नेतृत्व में जब सरकार थी कोई भेदभाव नहीं था, सच्चा रामराज्य जो वर्तमान में चल रहा है वह रामराज्य जी की अगुवाई में और देश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा। मैं आप सभी लोगों के सामने आज इतना ही कहूंगा कि 800 बेड का देश का सबसे बड़ा
यह कैंसर संस्थान जो यहां पर बनकर के तैयार हुआ है, मुझे भी पता है, आप में से अनेक लोगों को पता होगा। आज सुबह ही मेरे एक माननीय विधायक आए थे, उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को कैंसर की आशंका है, वो टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई में है। मैंने कहा आज ही बताया, जब मैं यहां आ रहा था तब मिले। मैंने कहा अब कोई माननीय विधायक हो या उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों में से कोई और हो, अब कैंसर की बीमारी पहले तो भगवान करे किसी को होना, अगर कभी किसी को इस बीमारी का शिकार होना पड़ता है तो उत्तर प्रदेश का यह कैंसर संस्थान उनको सेवा देने का, उनको इलाज करने का, उनको स्वस्थ करने का काम करने के लिए तैयार है। यह एक हमारे लिए गर्व की बात है, मैं बधाई देता हूं। चूंकि चिकित्सा शिक्षा का विभाग हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के पास है, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह आगे बढ़ा है। पिछले समय आदरणीय खन्ना जी के पास, पिछले कार्यकाल में यह विभाग था। हमारे यहां के जो डायरेक्टर हैं, मैं उनको भी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। इसकी जरूरत थी, इसे आपने स्वरूप देने का काम किया है। बाकी सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वह सारी बातें जो कहना वो आप सबके सामने रखेंगे। मंच और मंच के सामने बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, बहुत लोगों का नाम नहीं ले पाया, इसलिए क्षमा चाहते हुए आप सब की ओर से, अपनी ओर से, पूरे प्रदेश के 25 करोड़ जनता की ओर से बाबूजी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके हर सपने को पूरा करने का काम करेंगे भरोसा दिलाते हुए अपनी वाणी को दूंगा विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए एक बार, जय श्री राम। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।